हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एनालिसिस 12 मई के फर्स्ट चैप्टर के एकदम रियल क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। और फ्रेंड्स, बता दें कि इस वीडियो में आपको पूरे 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है। ओके, और जिन लोगों का आने वाले चैप्टर में एग्जाम है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, जिससे मैं आने वाले चैप्टर में एनालिसिस कर सकूँ। ओके फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने आज क्वेश्चन सेंड किए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, जैसे कि आरती है, दिव्या है, सोनम और राकेश थे। एक कौन थे? राकेश। इन चार लोगों ने क्वेश्चन सेंड किए फ्रेंड, इनका आज एग्जाम था फर्स्ट चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अल्लाह रखा खा का संबंध किससे है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा तबला वादक। भारतीय तबला वादक थे, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विशेष स्थान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, फूल के अंदर भाग को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्त्री पुंकेसर, स्त्री पुंकेसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2022 में T20 सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या। कौन थे? हार्दिक पांड्या। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 18 नवंबर को शुक्रवार को शुरू हुई। इस सीरीज के लिए रोहित समेत कुछ सीनियर खिलाड़ी को आराम दिया गया था, ऐसे में हार्दिक पांड्या को T20 टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शोषण के विरोध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। किसमें? 23 और 24 में। फ्रेंड्स, बात करते हैं, इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपको बता दें एकदम क्वेश्चन जो पूछे गए थे वही क्वेश्चन लेके आए हैं, एकदम रियल क्वेश्चन है। बात करते हैं फ्रेंड, इस चैनल पर आपको डेली एनालिसिस देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विशु अंग्रेजी केरल के प्रसिद्ध उत्सव है, किस नाम से जाना जाता है? तो विशु नाम से। यह केरल वासियों के लिए नववर्ष का दिन है, यह मलयालम महीने मेदम की पहली तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दम्पू डांस कहाँ का है। तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ का है, दम्पू नृत्य आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, और एक लोकप्रिय नृत्य रूप से एक है। इस नृत्य रूप अपना नाम का साधारण ताल वादक यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को अर्जित किया, एक तबूरा जैसा ड्रम जैसे दप्पू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1665 में। कब हुई थी? 1665 में हुई थी। बात करते हैं भारतीय मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपुत्र शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि मराठी पुरंदर या चाहतार पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एलपीजी स्कीम पहल मंत्रालय कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय। योजना में एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने के लिए मदद की मिलेगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। फ्रेंड्स, एकदम रियल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन एकदम रियल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थे वही हूबहू क्वेश्चन लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आज चार लोगों का एग्जाम था, उन्होंने क्वेश्चन सेंड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1773 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल कौन रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। कौन रहा है? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक भारत के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद? 40। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अनुच्छेद 40 नहीं पूछा था, इसकी विशेषता पूछी थी। कौन कुछ विशेषता थी वो करके वो मिला नहीं, तो अनुच्छेद हो जाएगा 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा स्तंभ कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 से। किससे? अनुच्छेद 124 से। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और पॉलिटी से तीन क्वेश्चन बनना है में, जैसे कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? महान्यायवादी से। अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से। और अनुच्छेद 79, 80 और 81 ये महत्वपूर्ण है, संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। बात करते हैं अनुच्छेद 110 किससे? धन विधेयक से। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? बजट से। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश से। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 148 भारत का एक CAG होगा। ओके, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से। ओके, अनुच्छेद 367 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? UPSC से।
ओके फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बार बार रिपीट हो रहा है एमटीएस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शीतकालीन ओलंपिक 2022 एकमात्र क्वालिफाई प्लेयर कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आरफ खान। कौन थे? मोहम्मद आरफ खान। जम्मू कश्मीर की स्थिति उल्पलायन स्कीयर मोहम्मद आरफ खान 2022 में शीतकालीन ओलंपिक के दो अलग अलग आयोजन के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के एथलीट बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई? फ्रेंड, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आज फिर हो गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। किसने की थी स्थापना? किसने की थी? तो आत्मारंग पांडुरंग ने। कब की थी? तो 1867 में। यही तीन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो फ्रेंड एक क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सीमा पर सड़क कौन बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन बनाता है? सीमा सड़क संगठन BRO, भारत के एक सड़क निर्माण कार्यकारी बालक को। तो कौन है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की समावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों को एवं पुलों का निर्माण कार्य तथा व्यवस्थापन का कार्य करता है। पहले BRO को शिपिंग एवं भूतल परिवहन मंत्रालय का अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, फातिमा शेख का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा फातिमा शेख किससे संबंधित है? 1848 में असमान शेख और उसकी बहन फातिमा शेख के घर में एक स्कूल खोला गया था। फातिमा एवं सावित्रीबाई फुले ने मिलकर समाज ने शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए काम किया। यह फातिमा शेख उन्होंने हर संभव तरीके से सावित्रीबाई फुले का दृढ़ता समर्थन किया। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के साथ उनके स्कूल को पढ़ाना शुरू किया था। ओके, तो कौन थी? अध्यापक थी, अध्यापक। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सावित्री बाई को सब जानते हैं, ज्योतिबाई फुले, लेकिन फातिमा साहब से थोड़ा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देश में उत्पादक वस्तुओं पर लगाई गई कर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक शुल्क। क्या कहते हैं? उत्पादक शुल्क या आबकारी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत के विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं को लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती है। कर विनिर्माण पर लगाया जाता है जैसे कि वस्तुओं का विनिर्माण हो जाता है, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंख्या घनत्व कैसे मापते हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व बराबर लोगों की संख्या जमीन का क्षेत्रफल। जमीन के क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग मील या वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। यदि आप छोटी जगह का घनत्व पता कर रहे हैं तो आप वर्ग फिट या मीटर यूज कर सकते हैं। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का 382 वर्ग किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आने वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको फ्रेंड, तो याद करके जरूर जाना 382 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रा शास्त्र पुस्तक किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंत्रा शास्त्र बुक फ्री डियर ऑन डाउनलोड किसकी है? तो फ्रेंड शंकराचार्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक को अनकाउन से प्रसिद्ध की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पद्मावत पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत पुस्तक हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा के प्रसिद्ध महाकाव्य। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी थे। पद्मकार पुस्तक कौन थी? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड ऑप्शन में थे तो उसने बता दिया था, चार ऑप्शन थे, उसका आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ का प्रवेश कहाँ है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले तूफान जो भारत उत्तर पाकिस्तान नेपाल से गुजरते हुए इनके दायरे में आने वाले वायुमंडल की ऊंची भूमध्य सागर अंध महासागर और कुछ हद तक कैप्सियन सागर के नबी लाता है, मौसम का बदलाव आता है फ्रेंड्स। तो आज के क्वेश्चन इतने 24 क्वेश्चन मिले थे, एकदम रियल क्वेश्चन थे, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको बता दें वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें जिनके आने वाले चैप्टर में एग्जाम है। फ्रेंड्स आपको बता दें चैनल पर डेली एनालिसिस होता है ऑल चैप्टर के साथ, एक वीडियो और आएगी जिसमें ऑल चैप्टर के साथ एनालिसिस होगा। तो फ्रेंड वीडियो जरूर बने रहा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।